कल जैसे कि द्रबू साहब ने जो बजट पेश किया, आप वजह खुद इससे कितना इतमान इतने मुतमिन है इस बजट से, और जैसे कि आपने असम्बली में भी कहा कि लद्दाख को लेकर काफ़ी इग्नोरेंस रही है और स्पेशल बजट में भी काफ़ी इग्नोर किया गया है इन ऑल सेक्टर, क्या कहना है आपको इसके बारे में? मैंने आपको अभी अपने बजट स्पीच में भी मैंने कहा कि पूरी तरह से लद्दाख नज़रअंदाज की गई है, वादा की गई थी कि ओवरऑल हर सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड सेक्टर्स हैं, उनको प्रायोरिटी दे देंगे। लेकिन बजट में ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं आया, इवन लद्दाख का जिक्र तक भी नहीं है। गवर्नर में एक जगह इन्होंने लद्दाख का नाम डाला है, बजट में तो कहीं पर भी जिक्र नहीं है। सिर्फ पंचायत वाले जो स्पेशल इन्होंने बजट बनाई है, उसमें कहीं पे किसी जगह हिल काउंसिल के नाम से एक जिक्र की गई है, तो बड़ी बदकिस्मती है। 80,000 करोड़ के बजट में लद्दाख कहीं पे भी मेंशन नहीं है, और इसीलिए हमने कहा था कि हमारे साथ ज़्यादती है, लद्दाख के साथ ज़्यादती है। सबसे बड़ा जो एरिया हमारा है, सबसे रिमोट एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, उस बैकवर्ड एरिया को निगलेक्ट किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो रिप्लाई दे देंगे उसमें जो हमें स्टेट शेयर में से हिस्सा मिलनी चाहिए था वो ऐसे ही हमें प्रोवाइड करेंगे। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, कैंसर इंस्टीट्यूट्स का है, उनमें भी कोई हिस्सा नहीं दी गई है। हमने कहा कि कम से कम एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज सर। जो रिसेंटली जो करगिल लद्दाख से करगिल की बात करें, जो एक देरी ना मांग थी कि जो जिला पे आप काम कमीशन काम स्टार्ट हो गया, तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो आप ये काम स्टार्ट? ये बड़ी बदकिस्मती है कि 2010 में सैंक्शन एक प्रोजेक्ट्स को अब 2018 में जाके उठाया जा रहा है, और उसमें भी इतनी डिले की गई है। इसका जो टेंडरिंग हुआ था वो जुलाई 2017 में हुआ, और इतना उसमें इन्होंने डिले किया है अप्रूवल देने में, सीसी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स ने, कि अब जनवरी आ गए। अब लास्ट में कहीं जाके मुश्किल से उस कंपनी की दबाव की वजह से इन्होंने अप्रूवल्स दे दिए हैं। तो अब उम्मीद रखते हैं कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। इनके ये दावे तो पिछले 2 साल से चल रहे हैं, ग्राउंड पर अभी तक कुछ निकला नहीं। इवन जेड मोड के जो 2700 करोड़ का टनल है, उस पर भी जिस पेस से काम चल रही है वो बहुत ही ख़राब है। सर ऑन अ लाइटर नोट, जो आने वाला जो असेंबली सेशन होने वाला है 1 महीने का, क्या उम्मीद रख सकते कि असगर करबलाई साहब क्या क्या अपने मैं क्या कहते हैं पिंडारे में क्या क्या लेके आने वाले हैं? हम कोशिश कर जो हम पोजीशन में हैं, इसलिए हमारी कोशिश यही है कि अपनी आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को, लोगों के इश्यूज़ को, लोगों के प्रॉब्लम्स को असेंबली के जरिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स तक, कंसर्न हेड तक, मिनिस्टर तक हम पहुंचा लें, और उसमें हम कोई कोताही नहीं रखेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ ये हमें दे देंगे, और जिस तरीके से उन्होंने खुद वादा किया है उस वादे को ये वफा करेंगे। नाज़रीन आपको बताते चले, जो आज 12 तारीख जो आज यहाँ पे असेंबली का सेशन रहा, काफ़ी अनिश्चितताओं का दिन था, काफ़ी डिबेट्स गर्मा गर्म बहस रही। आपको बताते चले कि जो कल ही यहाँ पे फिनेंस मिनिस्टर हसीब द्रबू साहब ने जो एनुअल बजट पेश किया गया था, और आज उसके रिप्लाई में काफ़ी लेजिस्लेटर्स ने यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाई, एंड द मैक्सिमम ऑफ देम वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द बजट। एंड जहाँ पे हम बात करें देवेंद्र रैना साहब के बारे में, तो देवेंद्र रैना साहब ने कहा मिस्टर द्रबू इज़ अ वेरी ही इज़ अ वेरी फैंटास्टिक ब्रेन एंड ही इज़ मास्टर टू क्रिएट स्टोरीज एंड ही हैज़ जस्ट क्रिएटेड स्टोरीज थ्रू दिस बजट। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बजट इन अ फॉर्म ऑफ प्रोज एंड पोएम्स के थ्रू उन्होंने ये इस बजट को पेश किया है, और काफ़ी उन्होंने इस बजट में जो लूप होल्स जो उन्हें नज़र आए उन्होंने हाउस के सामने पेश किया गया। नाज़रीन हमको आपको बताते चले, इसके बरक्स भी जो कुछ लेजिस्लेटर्स ने, जो शुपियान के एमएलए थे, उन्होंने वहाँ पे कॉलेज की बात करी, तो उसके जवाब में जो एमएलए जंस्कार है सईद बाकर रिजवी साहब, उन्होंने जो लद्दाख में जो रीसेंट एलोकेशंस हुआ है मेडिकल कॉलेजेस का, उस कंसिडरेशन में बात करते हुए कहा कि खित्ते लद्दाख में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज दिया जाना चाहिए था, और इसको और लद्दाख को इन मामलों में इग्नोर किया जाए। नाज़रीन आपको बताते चले कि विद इन द डिस्कोर्स ऑफ दिस रेडिक्यूलमेंट ऑफ द
बजट बाय द अपोजिशन, एक बात यहाँ से ये भी आई कि कुछ लेजिस्लेटर्स ने जो सेवन्थ के पे कमीशंस या जो जो कैजुअल लेबर्स के रिगार्डिंग जो जो रिफॉर्म्स लाए हैं गवर्नमेंट ने, इसको अप्रिशिएट किया गया, जिसमें हम मेंशन करें कि हकीम अहमद यासीन ने भी इसके बारे में बात की और देवेंद्र रैना साहब ने भी इसके बारे में बात की। नाज़रीन, जो इस डे का जो एंड था, जो असेंबली असगर अली करबलाई ने कंसर्न्स उठाए इस बजट को लेके, उन्होंने कहा कि 80,000 करोड़ के बजट में देर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल पेनी स्पेंट फ्रॉम द 100 करोड़ डिस्ट्रिक्ट बजट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अलोकेटेड टू द स्टेट, नो फर्दर अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट कारगिल। इसके बावजूद उन्होंने बात करी जो दैट द गवर्नमेंट हैज़ टॉक्ड अबाउट रिफॉर्मिंग द एप्रिकट सेक्टर ऑफ लद्दाख, बट इन ग्राउंड रियलिटी देयर हैज़ नॉट बीन डन सो मच to enhance this sector. He was of the belief that the at least the people involved in this sector, like the farmers or the harvesters, they should have some sort of assurance that the government is serious about this sector. As in the earlier proceedings, Nawang Rigzin Jora had also emphasized that the quality of the apricots produced in Kargil is unmatchable throughout the world. Neither the apricots produced in Afghanistan are compatible in spite of the apricots produced in Ladakh. So the major crux of the day was majorly highlighted on the budget session, on the reply of the budget session by the opposition, and we hope that the next day, next proceeding that is going to be on Monday, it will be more debatable and the various issues will be raised in this holy temple of democracy that we are right now, that is the Legislative Assembly. With the editor and camera person Muzammal Mustafa, this is Murtaza Fazli reporting from Legislative Assembly, Jammu, for Ladakh Times.